पन्नावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाए बेल आइकॉन बटन को पाई लेटेस्ट वीडियो अपडेट। रईस खान को इलाज के लिए आज ले गए, मौके पर प्रशासन रहा मौजूद, मीडिया का जताया आभार। 18 साल बाद रईस खान जंजीरों से मुक्त, इलाज के लिए मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल किया रेफर। हीरा की ढाणी। बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत के सुम्बला भाटियान निवासी सुजानियों की ढाणी निवासी रईस खान पुत्र शेरा खान जाति मुसलमान, उम्र 23 साल, 18 सालों से पेट से बंधा हुआ है। संवाददाता ने मौके पर पहुंचा परिवार से पता किया तो जानकारी मिली कि रईस खान मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वही विकलांग है। इनके पिता शेरा खान की 4 साल पहले मौत हो चुकी है तथा इनके माता राजो को करीब 10 साल से मिर्गी की बीमारी है। उनका छोटा भाई कमाने लायक नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर से कमजोर होने पर इलाज कराने में असमर्थ है। रिश्ते में भाई नसीर खान को पूछा गया कि रईस खान की ऐसी हालत क्यों और कब से है, तो बताया गया कि रईस खान 18 सालों से पेट से बंधा हुआ है। सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में यह पशु के समान जीवन जी रहा है। इस परिवार को जिम्मेदार अधिकारियों ने बीपीएल चयनित नहीं माना तथा धनवान परिवार को गरीब मान बीपीएल चयनित किया। हमने स्थानीय प्रशासन व नेताओं को बैठक में कई बार अवगत करवाया था, बावजूद कोई किसी ने रईस खान की पैरवी नहीं की। रईस खान की माता राजो बहुत दुखी है पर कई बार मिर्गी आने पर बेसुध पड़ जाती है। ठीक होने पर रईस को संभालती है, दिन भर रईस को पेड़ से बांधकर रखती है, रात होने पर रईस को कच्चे छपरे में रस्सी से बांधकर रखती है। इलाज के लिए जोधपुर ले गए थे जहां पर पैसों के अभाव में रईस का समुचित इलाज नहीं हो पाया था। मीडिया ने उजागर किया तो रईस की पिता को जनता ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद के लिए तांता लगा दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यासन ने संज्ञान लेते हुए रईस खान को जंजीरों से मुक्त करवाकर इलाज व्यवस्था के लिए पूर्णकालिक सचिव सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस थाना गिडा से सीआई गुमानाराम चौधरी मय जाप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सवाव पद्म सिंह प्रभारी पैंप सिंह, गिडा तहसीलदार सवाई सिंह कुमावत, ग्राम सेवक तुलछाराम, सहायक ग्राम सेवक वक्ताराम सहित मौके पर पहुंचे। रईस को जंजीरों से मुक्त करवा कर इलाज के लिए मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर एम्बुलेंस से रेफर किया गया। रईस के साथ उनकी माता राजो, पडुंसी नसीर खान, सहायक ग्राम सेवक वक्ताराम, पुलिस चौकी कैसुम्बला बिट कांस्टेबल साथ में गए। समाजसेवी दिने खा खोखसर डॉक्टर हयात खान ने एक सोशल मीडिया में रईस के नाम से ग्रुप बनाया, उसमें मीडिया ने खबर को सबके सामने साझा किया गया, जिसको लेकर सतीश कॉम की जनता ने तन मन धन से आर्थिक सहयोग किया, जिससे रईस खान के घर की छत पक्की बनेगी, सहयोग की राशि से पक्का भवन, पानी का टांका आदि का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी कमेटी बना रखी है, कमेटी वाले इस राशि को खर्च करेंगे। परिवार व ग्रामीणों ने मीडिया का आभार जताया। गिडा से पनावड़ा टीवी के लिए सरूपाराम प्रजापत की रिपोर्ट। रईस खान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण बांध कर रखना पड़ता है। इसके पिताजी 4 वर्ष पूर्व गुजर चुके हैं तथा माताजी को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, इसलिए रईस खान के परिवार को आर्थिक मदद व उपचार की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिला है रईस खान के परिवार को।